लेकिन रामकृपाल जी, वन मैन वन मिशन, पंचायत चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ने वाली पार्टी, क्या चेहरा कमल को बनाने पर बाध्य हुई? तो इसीलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजर का एक आर्टिकल, कर्नाटक हारे, पहले हिमाचल हारे, फिर कर्नाटक हारे, उसके बाद दिल्ली एमसीडी हारे, तो क्या उस लेख में जो लिखा गया कि भाई मोदी का चेहरा और हिंदुत्व का करिश्मा काफी नहीं, क्या वहीं से संदेश आया कि अब चेहरा कोई नहीं सिर्फ कमल? ये बड़ा स्विफ्ट टर्न भी एक नजर आ रहा है क्या? गरिमा जी, ऑर्गेनाइजर में लेख छपने से पहले कई बार मोदी खुद तमाम जनसभाओं में ये बात वो कह चुके हैं, कह चुके थे, लगातार कहते रहे हैं कि आप ये मत सोचिए कि मोदी के नाते जीत रहे हैं। याद होगा आपको, अभी भी कह रहे हैं पर पहले भी, और ये बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बहुत कॉमन सी चीज है कि कोई भी लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ये मान ले कि सब कुछ तो सारी ताकत इसी की है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी जो नेता जानता है, कुशल है, चालाक है, वो जानता है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी पार्टी की वीकनेस ना हो जाए, क्योंकि पर्सन कभी भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता है। तो ये बात मोदी जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मेरा चेहरा चल रहा है तो मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कहीं बीजेपी पार्टी की वीकनेस ना हो जाए। ये बात तो बहुत पहले से कहते रहे हैं। हुआ क्या कि कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से हुआ, उसके बाद ऑर्गेनाइजर का जो लेख आया तो उस बात की पुष्टि करता था कि भाई आप हमेशा ये मत मान लीजिए कि मोदी के चेहरे पर ही चलेगा। और दूसरी बात, जो मोदी आज कह रहे हैं कमल, मोदी को खुद मालूम है कि जनता उनके चेहरे पर वोट देती है। अगर मैं कहीं जाऊंगा और मैं मानूंगा कि लोग मेरे समर्थन में है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग तो सिर्फ मेरे नाते आए हैं। लीडरशिप की क्वालिटी हमेशा यह है कि वो क्रेडिट हमेशा दूसरों को दे। इसीलिए बार बार अभी देखिए लेटेस्ट में उन्होंने हर जगह एक बात कहते हैं, ये कैसे संभव हुआ? तो लोग कहते हैं मोदी के नाते, कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये आपके नाते संभव हुआ है क्योंकि आपने कमल का बटन दबाया था। देखिए ये टैक्टिक्स होती है। नहीं लेकिन रामकृपाल जी, वो चेहरा भी कहीं चल जाता और कहीं नहीं चलता। हिमाचल में नहीं चला, कर्नाटक में नहीं चला, और अभी हम दो राज्यों को तो अभी बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तेलंगाना और मिजोरम, वहां कहीं टक्कर में नहीं है बीजेपी। मैं गरिमा जी वही बता रहा हूँ कि देखिए मनाली में कूलर नहीं बिकेगा और मद्रास में कंबल नहीं बिकेगा। एक स्ट्रेटजी कहीं भी किसी के लिए भी नहीं चलती है, आप यूं समझ लीजिए। सीधी सीधी एक बात है, देखिए 2013 में याद कीजिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों मुख्यमंत्री थे, वहां शिवराज सिंह थे, यहां गहलोत जी थे, और गहलोत जी ने इतने अच्छे काम किए थे, जो ऊंटों का एक बीमारी होती है उसके लिए गहलोत जी, लेकिन जो केंद्र की इंटरन इनकम्बेंसी रही 2012 में मनमोहन सिंह के खिलाफ, उसका खामियाजा गहलोत को भोगना पड़ा और वही शिवराज सिंह चौहान जीत गए, याद कीजिएगा। और उसके बाद बता रहा हूं मैं आपको, देखिए कई बार क्या होता है, रणनीति अलग अलग होती। 2014 में मोदी जीतते हैं, उसके 6 महीने बाद पहला चुनाव होता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, दोनों में कोई चेहरा नहीं, जीत जाते हैं, जीते। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कोई चेहरा नहीं, जीते। और फिर देखिए जब उत्तर प्रदेश में उनको ये विश्वास हो गया कि यहां पर मोदी के बजाय योगी को आगे करना, मतलब वो खुद योगी योगी योगी, तो उनको मालूम था तो कहीं देखिए कहीं मुद्दे चलेंगे, कहीं चेहरा चलेगा, कहीं नीति चलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं 2000 का नोट चल जाता है, कहीं 500 का नोट काम आता है। नहीं ज्यादा बढ़िया लगा सर, विश्वास हो जाए कि पार्टी ज्यादा बढ़िया, तो ये लगा कि कहीं कूलर बिकेगा, कहीं कंबल बिकेगा, जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कहीं कूलर बिकेगा और कहीं कंबल बिकेगा।